प्यारे बच्चों, जलगांव जिले के तालीमी तदरीसी प्रोग्राम ओपा में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि दाही के तस्वर और दाही किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से बनाया जाता है, इस तस्वर को हम इसके पहले समझ चुके हैं। आइए अब हम इसको मजीद सरगर्मी के जरिए मालूम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आइए बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने मकब नुमा यहाँ पर 10 अलहदा यहाँ पर निकाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने ये 10 है। अब इसकी मदद से मुझे आप बताइए कि हम एक दाही किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर से एक दाही बनाकर बताइए, गिनकर बनाइए इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ये बन गए एक दाही। पहले ये अलहदा अलहदा थे, 10 ही थे लेकिन अलहदा अलहदा थे, इकाई के मुकाम पर, जिसमें एक की कीमत एक, दो की दो ही थी। अब ये एक साथ मिलकर एक दाही हो गए। अब बेटा इसी तरह से मुझे इन माचिस की तीलियों से बताइए कि हम एक दाही किस तरह बनाएंगे। गिनकर रखो यहाँ पर, एक, हाँ, दो, दो साथ में रखिए इनको, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, बहुत अच्छे, दस। अब ये एक साथ एक बंच हो गया, यानी अब एक दस्ता तैयार हो गया, एक गट्ठा तैयार हो गया। तो ये माचिस की 10 अलहदा अलहदा चीजों को हमने एकजा किया है, तो अब ये एक दाही बन गया है। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पर हम एक दाही सिफर इकाई 10 किस तरह से लिखेंगे। वेरी गुड, एक दाही सिफर इकाई 10। तो अच्छा बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे दाही के तस्वर को। अभी हमने क्यूब की और माचिस की तीलियों की मदद से दाही के तस्वर को वाज़ेह किया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले सबक में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।